अभी हम जा रहे हैं पालमपुर और वहाँ से हमें कॉल आई थी एक मंकी के लिए, क्योंकि आज संडे है तो वहाँ पे भी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और कोई भी रेस्क्यू के लिए आगे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मंकी को शॉक लगा है लेकिन फिर भी वो अभी उतने होश में है कि वो आराम से बाइट कर सकता है। उसके जो पंजे हैं दोनों जले हुए हैं जिसकी वजह से वहाँ पे घाव है और उसका रेगुलर ड्रेसिंग हो रहा है। फिलहाल इसकी फ्लूइड थेरेपी चल रही है क्योंकि शॉक की वजह से इसका बॉडी फ्लूइड डेफिशिएट जरूर हो गया होगा। नर्व टॉनिक्स पे भी रखा हुआ है, मल्टीविटामिन्स पे भी रखा है, पेन किलर अभी इसको लग रही है। ये बॉक्स और एक सॉन्ग पीपल फार्म के लिए संजय जी ने भेजा है जो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। अब इस बॉक्स में क्या है वो मैं कल बताऊंगा आपको जब डॉक्टर गुलशन और शाइनी यहाँ पे होंगे। फिलहाल तो ज्योति से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब की बार काफ़ी कुछ हुआ है, एक डॉग है जो बच्चे की तरह रो रहा था, एक बकरी आई है, कुछ बच्चे आए हैं और ये सब ज्योति के पास है सारी इन्फॉर्मेशन। इसको हम लोगों ने दो दिन पहले लंच से रेस्क्यू किया था। इसे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये नेट में फंस तो गई लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव कर रही थी और इसका जो पिछला वाला पैर है हील्ड फ्रैक्चर है, लेकिन फॉल जॉइंट जो है वो थोड़ा गलत तरीके से हुआ है और इसके लिए हमको इसका एम्पुटेशन करना पड़ेगा। कल और आज थोड़ा टेम्परेचर इशू की वजह से हमने इसको पोस्टपोन कर दिया है और जैसे ही थोड़ा वेदर ठीक होता है फिर हम इसकी सर्जरी करेंगे। तो ये फिर थ्री लेग्स पे बाहर सरवाइव कर जाएगा? कर जाएगी सर। मुझे आउट पेशेंट का बताओ, वो सारे मीडिया रूम में यही बात चल रही है, बकरी का बच्चा। सुबह सुबह हमारे पास के गांव से एक बकरी आई थी, उसके ओनर्स ने बताया कि इसको पहली बार डिलीवरी हो रहा है और उसको पैर बस निकले और बाकी वो प्रेशर लगा नहीं पा रही है। उसको जो इशू है उसको डिस्ट्रोकिया कहते हैं, जिसमें वो प्रॉपर डिलीवरी कर नहीं पाते और उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि पोजीशन उनकी करेक्ट नहीं होती बच्चे की। तो हमारे डॉक्टर्स ने असिस्ट किया और बहुत अच्छे से वो डिलीवरी उसकी यहाँ पे हो गई। हमने थोड़ा वेट भी किया कि शायद दूसरा बच्चा भी है लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो जो पपी आया था हमारे पास धनुटू से ही, ब्लैक कलर का, इसके पिछले पैर में इंजरी हुई थी, आरजे बैंडेजिंग वगैरह कर दी थी उसकी, जिसमें आप स्प्लिंट के आसपास पैडिंग करते हो, टाइटली पैडिंग करके फिर टाइटली बैंडेजिंग कर दी जाती है और उसके ऊपर हम क्रेप बैंडेज लगा देते हैं ताकि बोन है वो तरीके से सेटल्ड रहे और उसको रेस्ट मिले अच्छे से। वो ठीक हो गई थी काफी, वो पैर लगा भी रहा था, पेन भी उसका बिल्कुल नहीं था। डिम्पल दीदी के बच्चे जो बीच में मिलने भी आए थे एक दो बार उससे, फिर वो लोग वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखते हैं, आके लीश कॉलर, इसको रिफ्लेक्टिव कॉलर लगा दो, उनको सब पता है ना। और वो लगभग बहुत सारे पपीज का ध्यान रखते हैं यहाँ पे, तो उनको कॉल किया, वो लोग आए लेने और फिर उसको वापस भेज दें। वो मंकी का क्या हाल है? वो केज में रहने की वजह से खुद को ही हार्म कर रहा है। वो क्या करता है, जहाँ उसके पैर में ये जो पंजों के हिस्से में घाव हुए हैं और ये पिछले पैर में यहाँ वाले हिस्से में घाव है, वो खुद से उसको टेयर कर रहा है ना, मांस निकाल रहा है, तो फ्रस्ट्रेट हो रहा है केज में। लेकिन मैं उसको कैनल में भी शिफ्ट नहीं कर सकती। पहला कारण तो ये कि कैनल कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है और दूसरा कारण ये कि हम उसको नहीं कर पाएंगे कैनल में हैंडल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है ना और वो ऊपर आराम से चढ़ जाएगा। तुम स्ट्रेट जैकेट टाइप कुछ यूज़ नहीं कर सकते, जैसे जो मेंटल पेशेंट जो अपने आप को हार्म कर लेते हैं उनको ऐसे कपड़े में ऐसे कर देते हैं ताकि वो थोड़े जकड़े से जाते हैं? सर लेकिन वो फिर हीलिंग पे इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये तो मेंटली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, और अगर हम उसको कोई जैकेट पहना देंगे तो वो उस चीज़ वो तो बंद हो जाएगा वो हिस्सा। मुझे नहीं पता, एक बार आप गूगल करके देख लो, एक बार देख लो कि स्ट्रेट जैकेट क्या बंदरों के लिए या क्या यूज़ की जा सकती है, मतलब इससे तो बेटर है ना। फिलहाल तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक बार बैंडेजिंग करके देखते हैं और ऊपर बिटर चारी स्प्रे ये सब कर देंगे ताकि वो एटलीस्ट दांत से ना करे, क्योंकि हाथ में तो अभी चोट लगी हुई है, ये करने वाले हैं हम आज और उसके बाद देखते हैं। जिस पपी को हमने शाहपुर से आई इंजरी की वजह से रेस्क्यू किया था, अभी उसकी सर्जरी चल रही है, उसकी आँख हमें रिमूव करनी पड़ेगी, उसके बाद उसके एंटीबायोटिक और पेन किलर्स चलेंगे और जब सूचर अराउंड 15 डेज के बाद रिमूव किया जाएगा, उसके बाद हम उसे वापस उसके एरिया में छोड़ सकते हैं क्योंकि उसके केयर टेकर्स काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने कहा है कि वो उसका ध्यान रख सकते हैं वहाँ पे। हमने कल चिंगारी को शाहपुर भेजा था, डॉक्टर ने बताया कि इसका जो ये वाला हिस्सा है ये ट्यूमर है और इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है क्योंकि इस हिस्से में नसें ज़्यादा होने की वजह से ब्लड लॉस बहुत हो सकता है, क्योंकि ऑपरेट यहीं से करना है उनको और ये सब कुछ रिमूव कर दिया जाएगा। 50-50% चांस है क्योंकि ब्लड लॉस की वजह से सर्जरी के दौरान शायद इसका बचना मुश्किल हो जाए, लेकिन ये सर्जरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने इसको रिमूव नहीं किया और ये बढ़ता जाएगा, और रिमूव करने से ये है एटलीस्ट कि
ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। जामुन भी अब आ गया है हमारे पास, जामुन फिर से? हाँ जी सर, और फिर वही कान वाला इशू। इस बार तो उसका कान कटा हुआ है बुरी तरीके से, और अंदर में जो वो होल होता है वो पूरा भर चुका है ना पस की वजह से। तो हम उसका एयर कट करने वाले हैं, एक दो दिन में इसकी सर्जरी करेंगे, और उसके बाद सर टाइम लगेगा। तीसरी बार सेम इशू, ये डॉग फाइट की वजह से होता है। जबकि आपने न्यूट्रल कर दिया इसको। हाँ, और ये अबैंडन है ना सर, तो इसको अडॉप्टेबल में डाल दो ना, लाइक अडॉप्शन, अप फॉर अडॉप्शन कर दो। हां मतलब अब यही करना पड़ेगा हमें। जो नंदलाल है अपना, जो पिछले पैर का खुर है ना जिसमें फ्रैक्चर था, वो खुर क्या कर रहा था ना, कुछ टाइम से लगा नहीं रहा था फ्रैक्चर हील होने के बाद भी ना, तो हम वेट कर रहे थे। अब ये पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, पैर भी अच्छे से लगा रहा है, खून भी हील हो गया जो छोटा सा था। तो ये रोड से आई थी, उन्होंने गौशाला में बात की है, और हम इसको अब गौशाला में शिफ्ट करेंगे। सरा गौशाला, पता है सरा का जो ओवरफ्लो है वो कहाँ जाता है, मतलब उनकी तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है ना किसी भी गौशाला की तरह, मेरे ख्याल से 70-80 गाय बैल फिर कहाँ जाते हैं। नो कमेंट्स, ज्योति को पॉलिटिक्स में होना चाहिए। पटाका जिसको हमने तियारा से रेस्क्यू किया था, जिसको जितेंद्र जी खुद यहाँ लेकर आए थे, तो 3 दिन से वो खाना भी टाइम से खा रही थी, लेकिन आज जब हम सुबह आए तो हमने देखा कि वो नहीं बच पाई है। जब उसको लेकर आए तब तो वो शांत थी, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई, और इतनी अग्रेसिव मतलब ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि जब वो काटती थी तो वो बिल्कुल छोड़ती ही नहीं थी ना हाथ, और केजेस के साथ भी यही बिहेवियर था, वो केज भी दिन भर चबाती रहती थी। हमने इसको रेबीज के लिए सस्पेक्ट किया और एंटी रेबीज पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन इसके स्टार्ट कर दी थी, और साथ ही साथ जो इसके हेड में इंजरी है उसके हम डेली क्लीनिंग और एंटीबायोटिक्स वगैरह हमने स्टार्ट कर दी। हेड में इंजरी होने की वजह से सेरेब्रल ट्रॉमा जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये डेथ का कारण हो सकता है। हमें कल एक कॉल आई थी पपी के लिए, वर्किंग आवर के बाद उसका जो सामने वाला शोल्डर था उसमें काफी बड़ा एक कट था। राधा दी और डॉक्टर गुलशन उसे लाने गए थे। डॉक्टर गुलशन क्यों गए लेने इसको? अब एक डॉक्टर को जाना ही था, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भाई लाना जरूरी है या नहीं, तो उस टाइम मैंने इसलिए डॉक्टर गुलशन को भेजा था। नेक्स्ट डे हमने उसकी सूचरिंग कर दी, अभी इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन इसे थोड़ा लंबा समय लग सकता है। जैसे ही पपी ठीक होगा हम इसे अडॉप्शन के थ्रू एक अच्छा घर ज़रूर दिलवाएंगे। अभी हम डब्बू और चटोरी को रिलीज करने जा रहे हैं। डब्बू आई थी चटोरी से और चटोरी आई थी डरम से। हम पपीज़ को रिलीज नहीं करते हैं और उनकी अडॉप्शन कराते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टोटल 12 पपीज़ हैं, 2 किटन्स हैं, हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं है अभी इन्हें रखने के लिए, इस वजह से हमें इनको रिलीज़ करना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, इनकी वैक्सीनेशन भी पूरी हो चुकी है, होपफुली ये बाहर सेफ रहें। इस पपी को अभी कांगड़ा से रेस्क्यू किया है, इसको किसी ने हाईवे पे अबैंडन कर दिया था, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो कुछ स्टूडेंट्स जो वहाँ से जा रहे थे उनको ये मिली और वो डायरेक्टली इसे यहाँ पर लेकर आए, और हम इसके लिए जल्दी से एक अच्छा सा घर ढूंढ रहे हैं जहाँ पे ये हमेशा के लिए रह सके। ये पिंकी है जिसका रिकेट्स का इशू था जब ये आई थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बेटर है इसका कंडीशन, पैर लगभग सीधा हो गया है। हम लोग हर ऑल्टरनेट डे पे इसका जो आरजे बैंडेजिंग है वो ओपन करते हैं, ताकि हम इम्प्रूवमेंट देख सकें और इसको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए। थोड़ा बेटर लग रहा है, लेकिन हमको अभी थोड़ा टाइम और इसको बैंडेजिंग पे रखना होगा। अगर अडॉप्ट भी हो जाती है तो वाइटमिन D3 से ये ठीक हो जाएगी जल्दी। हम बस इसके लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ रहे हैं। अभी हम चिंगारी को लेके शाहपुर हॉस्पिटल जा रहे हैं, जहाँ उसकी ट्यूमर रिमूविंग सर्जरी होनी है आज। आई होप ये अच्छे से वापस आ जाए। जो हमारे पास धर्मशाला से बच्ची आई थी जिसका नाम हमने दुलारी रख लिया है, उसका हमने 15 दिन के बाद स्प्लिंट खोला था, क्योंकि हम चेक करना चाह रहे थे कि इसकी रिकवरी हो भी रही है कि नहीं। कि इसके पैर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, थोड़ा सा स्टिफनेस कम हुआ है, और जो इसकी रेगुलर टैबलेट चल रही है वो भी काफ़ी असर दिखा रही है। तो ये चीज़ हम अभी 1-1.5 महीना और कंटिन्यू करेंगे, एंड होपफुली ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए, अपने सामने वाले पैर पे भी प्रेशर लेने लगे, और फिर हम इसे आराम से वापस इसके जगह पे छोड़ सकते हैं। एक और अपडेट जो अभी हमने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, वो है हमारा इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया जिससे समाज की मदद हो सकती है, तो हम वो आइडिया हकीकत में तब्दील करने में आपकी मदद कर सकते हैं। 1 साल तक हम आपका रहना खाना कवर करेंगे। अगर आपको कोई कमरा चाहिए या ज़मीन चाहिए वो भी हम आपको मुहैया कराएंगे। आपके पास जस्ट होना चाहिए एक वर्केबल प्लान जिसे आप 1 साल में सेल्फ सस्टेनेबल बना सकें। इस दौरान हम आपको मीडिया की सपोर्ट भी देंगे, वॉलंटियरिंग की सपोर्ट भी देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल प्रतीक जो पहले हमारे फार्म मैनेजर थे, उन्होंने और हर्ष ने मिलकर अपना एक ऑर्गेनिक फार्म प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसे हम इंक्यूबेट कर रहे हैं। तो वो आलू उगा रहे हैं, मशरूम उगा रहे हैं और तरह तरह की सब्जियां उगा रहे हैं, और सब्सक्रिप्शंस लेके आसपास जो लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस चाहते हैं उन्हें किफ़ायती दामों में अवेलेबल कर रहे हैं। तो खैर, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो लड़कियों की मदद करने का आइडिया है, तो आप मुझे पर्सनली robin@peoplefarm.org पे
ईमेल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।